नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। शादी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। भगवान शनिदेव आपके सभी कष्टों को आने से पहले ही खत्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आने वाले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, इसके भी बारे में हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आने वाली सभी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अपने जीवन काल में पिछले समय अंतराल में हर मौसम को देखा है, आपने हर मौसम को झेला भी है। यहाँ पर हम आपको मौसम यानी समय की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मौसम का मतलब समय है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने हर तरह के मौसम को देखा है, हर समय में हर प्रकार की परिस्थिति और सिचुएशन को झेला भी है। अपने जीवन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जीवन में बुरा भी ज़रूर देखा है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में खुशियां जहां देखी है वहीं अपने जीवन में गम भी आपने देखा है। दोस्तों, पिछले समय अंतराल में आपने उम्मीद भी रखी है, आपने अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। आपने सोचा है कि आने वाले समय में हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने पिछले समय अंतराल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले समय में हमें बेहतरीन परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुख में, दर्द में, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आप अपने दुखों को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएं होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की अनेक इच्छाएं, अनेक तमन्नाएं रहती है। आपके मन में कुछ ऐसे भी तमन्नाएं होती है कि आप अपने जीवन में जो आपके मनपसंद चीज़ हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें, आप उन्हें मनपसंद की चीज़ों को, मनपसंद के कार्यों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों, आप समय की मार और घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए पीछे हट जाते हैं या फिर कहीं पर आपको समय की ऐसी मार पड़ती है कि आप अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस स्थिति पर है, जिस भी लेवल पर है, जो भी कार्य को आपने अचीव किया है वो आपकी मंजिल नहीं है। आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं है, आपके बड़े सपने हैं, आप बड़े ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी और आप जहां हैं वहां पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपसे जितना हो सका, आप जितना प्रयास कर सकते थे आपने पूरा प्रयास किया, पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से आपने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, पूरा जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं, आज भी अधूरे हैं और उनको प्राप्त करने की जो ललक है, जो तमन्ना है, वो आपके अंदर अभी भी है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर उनके सहायता करते हैं, दिलोजान से उनकी हेल्प करते हैं, आखिर वही आपको धोखा दे देते हैं और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों वे पीठ पीछे करके आगे चल देते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएँ घटित हुई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटनाएँ भी घटी है। यहाँ तक कि कभी कभी आप अपने पूर्व समय को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं
कि आपके जीवन में जो आप बनना चाहते थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं। इसके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या वह कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है धोखा। दोस्तों, आप अपने जीवन में जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी सहायता कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिनको आप अपनी सारी जानकारियां भी देते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दें कि दोस्तों, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं, उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीता हुआ समय आपको बहुत कुछ सिखा गया है और आपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे कौन बुराइयां करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है और आप आगे जानते हैं आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय अवधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पिछले समय जो भी गवाया है, वह यश में आपको मिल रहा है। दोस्तों, आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। दोस्तों, यश में कोई भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम संपन्न हो सकता है। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में भी आपकी विशेष यशमय रुचि रहेगी तथा आपका निस्वार्थ योगदान समाज में भी आपका मान सम्मान और फिर इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। दोस्तों, यश में आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यशमय आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। अपनी फिजूल खर्ची पर आपको यशमय अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों, किसी खास व्यक्ति के द्वारा ही आपको कुछ नुकसान यशमय हो सकते हैं। तो दोस्तों, यशमय बेहतर होगा कि भारी संपर्कों से आपको दूरी रखना चाहिए। दोस्तों, परिस्थिति को क्रोध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि किसी के भी साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, यश में आप अपने विचारों पर अड़े रहने की वजह से किसी के साथ भी आपका एक मत नहीं होगा, इसलिए खुद ही काम को पूरा करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों, इन बातों में देरी हो सकती है, यश में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, आपकी राशि के लिए जो समय होंगे, जो ग्रह स्थिति होंगे, यश में बहुत ही उत्तम समय होगा, बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति होगी। दोस्तों, यश में बता दें कि आपकी योग्यता और फिर क्षमता खुलकर लोगों के सामने जाहिर होने वाली है। दोस्तों, विद्यार्थियों को करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान भी यश में मिलेगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यश में हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, परंतु आलस हुआ फिर ज़्यादा मौज मस्ती के समय को यश में व्यस्त ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। क्योंकि दोस्तों, यश में आप जो है अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों, यश में को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें। तो आए दोस्तों, अब इसी के साथ बात करते हैं कि अब आपको अपने जीवनकाल में कौन से उपायों को करना चाहिए ताकि दोस्तों, आप सभी के जीवनकाल में जो भी परेशानियाँ हो चुकी है वह जीवनकाल में दोबारा ना हो और आप सभी का जीवनकाल धीरे धीरे बदल जाए। तो दोस्तों, इनके लिए बहुत ही खास उपाय हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आप इन्हें ध्यान सुनिएगा। ये दोस्तों आप सभी को बता दें कि गुरुवार को पीपल में सादा जल चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं तथा दोस्तों, शनिवार को गुड़ तथा मिश्रित जल पीपल में चढ़ाकर सरसों का तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, आप कभी भी
आर्थिक रूप से परेशान नहीं होंगे और जो भी आपके जीवन काल में समस्याएं थी आर्थिक स्थिति को लेकर दोस्तों इनसे वह समाप्त हो जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दें कि भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश यानी पीठ में ब्रह्मा का वास होता है, गले में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, भगवान शिव मुख में रहते हैं तथा मध्य भाग में सभी देवताओं का वास होता है। दोस्तों गौ माता का रोम रोम महर्षियों का ठिकाना है तो मुष्प के स्थान पर अनंत नाग का है। शाति खुरों में सारे पर्वत समाये हैं, वहीं गोमूत्र में गंगादी पवित्र नदियां गोमय यानी लक्ष्मी का वास होता है। माता के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास होता है। दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो गाय को पृथ्वी ब्राह्मण और देवों का प्रतीक माना जाता है, सबसे बड़ा दान माना जाता था और दोस्तों गौ हत्या को सबसे बड़ा महापाप माना जाता है। और दोस्तों आपको अपने जीवन काल में आज से एक उपाय करना है कि दोस्तों जो भी आप खाना खाते हैं, खाने की जो पहली रोटी होती है दोस्तों उन्हें आप गाय को खिलाएं। जी दोस्तों आप हर दिन यह उपाय को करें, दोस्तों यकीन कीजिए सभी देवी देवताओं का वास आपके जीवन काल में होंगे, धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होंगी और आपका जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। जी दोस्तों तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक करें, शादी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।